C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। जिंदल परिवार में मनाई जा रही है खूब जोर शोर से गुड्डन और अक्षत की मेहंदी की रस्म, पर इस बार सास और बहू है एक साथ और बहू ने किया सास को उनकी ही मेहंदी की रस्म से फरार। अब कैसे पूरी होगी ये बिना दुल्हन वाली अनोखी मेहंदी और संगीत की रस्म, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। खुशियों के इस मौके के बीच दुर्गा ने फेंका एक ऐसा पासा जिससे दुल्हन अपनी ही मेहंदी और संगीत की रस्म से हुई फरार। क्या गलतियों की दुकान गुड्डन इस बार साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा या होगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी गुड्डन के साथ, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुंडों से घिरे गुड्डन और अक्षत कैसे निकलेंगे बाहर अब इस नई मुसीबत से? क्या अक्षत और गुड्डन की ये मेहंदी संगीत की अनोखी रस्म अब हो पाएगी पूरी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। एक बार पीछे हटने पर क्यों गुड्डन के कदम फिर लौट आए अक्षत जिंदल के यहाँ? आखिर क्या मंजूर है किस्मत को जो फिर ले आई दोनों को आमने सामने हल्दी की रस्म पर? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। शादी टूटने के बाद भी कैसे हल्दी की रस्म पर अक्षत और गुड्डन एक बार फिर आए आमने सामने? आखिर टूट जाने पर भी किस्मत बार बार क्यों ला रही है दोनों को करीब? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन का अक्षत की हल्दी रस्म में मौजूद होने का सच आया जिंदल परिवार के सामने, जिससे हुई पूरी रस्म खराब। क्या तीनों बहुएं माफ कर पाएंगी गुड्डन को इस बार? आखिर क्यों ला रही है किस्मत इन दोनों को बार बार करीब? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन फंसी गुंडों के बीच जिनसे है उसको जान का खतरा। क्या अनजान अक्षत निकाल पाएगा गुड्डन को इस नई मुसीबत से या पूरे होंगे उसके साथ फेरे किसी और के साथ, या फिर किस्मत लाएगी एक ही मंडप में दोनों को साथ और गुड्डन बनेगी इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कौशल्या और पर्व के नए खेल का सच क्या आ जाएगा गुड्डन के सामने और कैसे फंसी गुड्डन गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अनजान अक्षत बचा पाएगा गुड्डन को गुंडों से या पूरे होंगे उसके फेरे किसी और के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कैसे गुड्डन फंसी गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अक्षत इस बार निकाल पाएगा गुड्डन को इस मुसीबत से या इस बात से अनजान पूरे करेगा अपनी शादी के फेरे? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। क्या गुड्डन बच के निकल पाएगी दुर्गा के फैलाए हुए जाल से और बचा पाएगी अपनी बहन को खुद देकर एक बड़ा बलिदान? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। जिंदल परिवार है गुड्डन के मंडप में बैठने के सच से अनजान। क्या शादी होने से पहले ये सच आ जाएगा सबके सामने या हो जाएगी ये अनोखी शादी संपन्न? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन और अक्षत की शादी का सच आया जिंदल परिवार के सामने। क्या गुड्डन साबित कर पाएगी कि वो है लायक बनने के लिए तीन बहुओं की सास? और क्या अक्षत कभी मान पाएगा इस शादी को? जानने के लिए देखना ना भूलिएगा 22 अक्टूबर को गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि क्या गुड्डन साबित कर पाएगी अक्षत के सामने कि वो है निर्दोष या पड़ेगा पासा उल्टा और खुलेगा एक बड़ा राज गुड्डन के सामने जो कर देगा उसे हैरान? कैसा रहेगा गुड्डन और अक्षत का ये अनोखी शादी का सफर? मास्क यहाँ कहाँ से आया? आपके कमरे में? क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये दिखाओ मुझे। मास्क आपके पास कहाँ से आया? तो उसने मुझे क्या बोले जा रही हो? जब पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? गुड्डन बात कर रहा हूँ तुमसे, तुम ये फोन किसको कर रही हो? सबूत चाहिए ना आपको? सारे सबूत मिलेंगे। सबूत चाहिए था ना आपको? ये लीजिए और फोन उठाइए अपना, उठाइए। अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी अलमारी में मेरा फोन है तो यही तो कह रहे हो। आपकी अलमारी से आपका फोन मिला और ये फोन आप है, ये मास्क किया।
दरवाजा बंद करके रखा है। ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। पता नहीं क्या कर रहे होंगे ये लोग अंदर। दरवाजे के अंदर झांकने की क्या जरूरत है, मैं ही बता देती हूँ। नहीं नहीं शादी हुई है, सुहागरात मना रहे होंगे दोनों। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए, ज्यादा है भी नहीं आपके पास। और तुम इतने सारे मेहमानों के बीच गेस्ट रूम में जाके सो गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि रेवती कहाँ थी? शादी तो हो गई ना आपके ससुर की मेरी गुड्डन से। वो एक पति होने के नाते अपनी पत्नी को लेकर गए हैं। क्यों दादी जी, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? बहुत जल्दी है आपको अपनी आफत हमारे गले में बांधने की। पति पत्नी का रिश्ता तो तब कहलाएगा ना जब उस रिश्ते के कोई मायने होंगे। वैसे भी मुझसे बहस करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब किसी भी वक्त पुलिस यहाँ आती होगी। गुड्डन है हैरान जानकर कि अंतरा की मौत के पीछे है अक्षत का हाथ, और आ पड़ी है गुड्डन पर तीन बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन जो है इंडिया की यंगेस्ट सास का ये अनोखा सफर, जानने के लिए देखते रहिए। क्या विवान अपने आप को मीरा से बचा पाएगा? सच जानने के बाद क्या करेगी मीरा, ये जानने के लिए कल देखिए कली रेन। विवान मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जान ले लूंगी तेरी। और इस साल का पुलिस गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है अस्मिता कुमारी। अस्मिता कुमारी को हम ट्रांसफर करते हैं कोलकाता ऑन मिशन कोनागाची। जिंदगी की नई किताब के पन्नों पर चल रही हैं शांतनु और पुचकी, लेकिन क्या अपने कर्तव्य को निभाने फिर लौटना पड़ेगा उन्हें अपनी अधूरी कहानी के पुराने पन्ने पर? क्या होगा इस कहानी का अगला मुकब्बल, जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिए। जानती नहीं हूँ मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी, इसलिए आराम से फोन दे। मैं चाह रही हूँ घर वालों को तुम्हारी असलियत दिखा दे। किसे कर ले की रुक तुम्हें सब? दिस इज जस्ट टू गुड, यही तो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि ये यहाँ पर है। तुम हमेशा ना मेरे लिए सबसे बेस्ट चीजें सिलेक्ट करती हो, सिर्फ कपड़ों ही नहीं मैं हर चीज में तुम्हें मिस करता हूँ, क्योंकि वेद को हमसे छीनना चाहती थी, ऐसा नहीं हो पाया तो आज आपने एक नई चाल सोची, वेद और साहिल को मुझसे अलग करने की, वो भी मेरे बच्चे की बीमारी का फायदा उठा के। मैं बता रही हूँ ये इनकी चाल है, वेद को पाने के लिए तुम्हें पाने के लिए, और तुम्हारे साथ सो